नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं UKSSSC न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ वैकेंसी निकाला गया है, तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पर बताएंगे। यह है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको डेट बता दिया गया है, ऑनलाइन जो है ये डेट स्टार्ट हो चुका है 23 अक्टूबर से अप्लाई करने का, और लास्ट डेट जो है 23 नवंबर तक रहेगा, और आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो दिसंबर में होगा। यहाँ से आप पदनाम देख सकते हैं, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसीज रखा गया है। आप नीचे भी यहाँ देख सकते हैं, कुल जो योग है 16 रखा गया है, और यहाँ कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग के लिए, SC के लिए 2 वैकेंसीज है, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1, और जनरल के लिए 12 रखा गया है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, यहाँ जितना भी पोस्ट है सारे के लिए ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और उसमें टाइपिंग स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 29,200 से लेके 92,300 तक मिलेगा, लेवल 5 का पेमेंट है। और आयु सीमा जो है मिनिमम आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल तक रखा गया है। सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसीज रखा गया है। वेतन आपको लेवल 5 का मिलेगा, 21 से लेके 42 साल तक के लोग यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। रीडर कार्यालय अस्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1 वैकेंसीज रखा गया है। रीडर कार्यालय अस्थायी लोक अदालत देहरादून के लिए अप्लाई करते तो 1 वैकेंसीज है। रीडर कार्यालय स्थायी लोक अदालत टिहरी गढ़वाल के लिए अप्लाई करते तो 1 वैकेंसीज है। उद्धम सिंह नगर के लिए अप्लाई करते तो यहाँ 7 वैकेंसीज रखा गया है। और पेमेंट जो है आपको लेवल 5 का मिलेगा, 21 साल से 42 साल की उम्र तक वाले लोग यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। रीडर कार्यालय अस्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, पद का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, मुंसरीन के लिए, तो टोटल यहाँ 1 वैकेंसीज रखा गया है। रीडर कार्यालय अस्थायी लोक अदालत देहरादून के लिए 1 वैकेंसीज है। टिहरी गढ़वाल के लिए अप्लाई करते तो 1 वैकेंसीज है। उद्धम सिंह नगर के लिए अप्लाई करते तो 7 वैकेंसीज है। कुल यहाँ पे लेवल 5 का आपको पेमेंट मिलेगा, और 21 से 42 साल के उम्र लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए अप्लाई करते तो टोटल यहाँ पे 137 वैकेंसीज रखा गया है, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ के लिए अप्लाई करते हैं तो 7 है, पौड़ी गढ़वाल के लिए करते हैं तो 78 वैकेंसीज हैं, अधिकारी नैनीताल के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं तो 137 वैकेंसीज रखा गया है टोटल। यहाँ जो आपको पेमेंट मिलेगा लेवल 4 का मिलेगा, 25,500 से लेकर 81,100 तक, और मिनिमम 21 साल रखा गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल रखा गया है। यहाँ पे आपका जो शुल्क लिया जाएगा फॉर्म का वो यहाँ बताया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी है और OBC से है, मतलब जनरल से और OBC से, तो 300 रुपये लगेगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC ST और EWS कैंडिडेट हैं तो 150 रुपये लगेगा। दिव्यांग व्यक्ति है उत्तराखंड के तो 150 रुपये लगेगा, और जो अनाथ ऑर्फन है उन लोगों को पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, 100 अंक का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और 2 घंटा का आपको समय मिलेगा। अगर आप जनरल OBC से आते हैं तो 45% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है यहाँ एलिजिबल होने के लिए, और जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, उन लोगों को यहाँ पे 35% मार्क्स लाना है। तो अगर आप एप्लीकेबल रहेंगे तो जल्द से जल्द यहाँ जाके ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इससे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।